हे गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ पाचन शक्ति कमज़ोर होने के लक्षण और आप उसको तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे पाचन शक्ति कमज़ोर होने के चार ऐसे लक्षण के बारे में, जिसे जान करके आप अपने पाचन शक्ति को ठीक कर सकते हैं और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। भोजन को पाचन तंत्र आपके भोजन को ऊर्जा में बदलकर आपके शरीर को रोग से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। बिना अच्छे डाइजेशन का स्वस्थ रहना नामुमकिन है, इसलिए अपने डाइजेशन पे खास ख्याल दें। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो आपको मितली होगी, उल्टी होगी, पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द की समस्या हो सकती है, पेट में गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि आपका खराब डाइजेशन बहुत सारी बीमारियों का कारण है, इसलिए समय रहते अपने खराब डाइजेशन को पहचानें और उसका इलाज शुरू करें। तो चलिए जानते हैं इनके चार ऐसे संकेत के बारे में जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपका डाइजेशन जो है खराब है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले लक्षण की, तो वह है शरीर का गंध करना। अगर आपका पसीना बहुत ज़्यादा गंध करता है, साथ ही आपके पैर से भी बदबू आती है, तो यह आपके खराब डाइजेशन का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको डिटॉक्स करने वाले फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं दूसरे लक्षण की, तो वह है त्वचा संबंधी बीमारी। यानी कि अगर आपको सोरायसिस या फिर एक्जिमा या फिर मुहासे की प्रॉब्लम हो रही है, तो यह आपके खराब डाइजेशन का संकेत हो सकता है। आप इसके लिए अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट से जाके संपर्क जरूर करें। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो वह है सांसों से दुर्गंध आना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिन में कितने बार ब्रश करते हैं, लेकिन अगर आपके ब्रश करने के बावजूद भी आपकी सांसों से गंध आती है, तो ये आपके खराब डाइजेशन का संकेत है। आपको तुरंत ही चेकअप करवाना चाहिए। आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि आपके पाचन तंत्र खराब होने से आपके बाल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपका बाल झड़ना, असमय बाल सफ़ेद होना और बालों से संबंधित जो भी समस्या है, वह आपके खराब डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो सकता है। क्योंकि जो भी भोजन आप करते हैं, अगर वो अच्छे से नहीं पचता है, तो भोजन का जो पोषक तत्व होता है वो आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपका बाल सफ़ेद हो सकता है, आपका बाल झड़ सकता है, आपको बालों संबंधी समस्या हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अपने पाचन तंत्र को कैसे तंदुरुस्त रखें। तो हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस ला करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को तंदुरुस्त रख सकते हैं, जैसे कि अपने आहार और दिनचर्या में बदलाव करके। आप जंक फूड या फिर फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर तला हुआ खाना और तेल मसाले वाला खाना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। साथ ही अगर आपको रात में देर तक जगने की आदत है, तो आप इसको बदलें, आप रात में जल्दी सोएं और भरपूर नींद लें। इससे भी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा होगा। और रात में जब आप खाना खाते हैं, तो अपने खाना को थोड़ा सा टाइम दें, टाइम लेकर के ही खाना खाएं, एकदम से जल्दी जल्दी भोजन ना खाएं, अच्छे से स्थिर से चबा चबा करके खाना को खाएं। और साथ ही उसके साथ अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हार्मफुल है। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए गर्म पानी पिए। गर्म पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और साथ ही आप अपनी रात का भोजन सोने से 2-3 घंटा पहले करें, और फिर भोजन करने के बाद थोड़ा सा टहलने का आदत जरूर डालें। और इसके साथ ही आप अपने पाचन शक्ति को तंदुरुस्त बनाने के लिए आप विटामिन सी युक्त पदार्थ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर, ब्रोकली, कीवी फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपने पाचन शक्ति को तंदुरुस्त बना सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।